गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको M2R5 यानी कि ओ लेवल के न्यू सिलेबस के सेकेंड मॉड्यूल वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के सिलेबस को डिटेल में बताया था। और अब मैं उसमें पहला टॉपिक HTML स्टार्ट कर रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका फुल फॉर्म होता है। और इसका इंट्रोडक्शन मैं इस क्लास में दूंगा। इसके साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले मैंने वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जो कि मैं ओपन कर रहा हूँ और आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ HTML का। फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट वॉज डेवलप्ड बाई टिम बर्नर्स-ली इन 1990। इसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में बनाया गया था और 1991 में पहली बार इसका उपयोग वेब पेज को बनाने में किया गया था। इट इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एज इट्स नेम शोज, इट्स जस्ट ए मार्कअप लैंग्वेज। जैसा कि इसका नाम बताता है, यह केवल एक मार्कअप लैंग्वेज है। बिकॉज देर आर यूज ऑफ टैक्स इन इट, क्योंकि इसमें टैक्स का प्रयोग किया गया है। HTML फाइल एक्सटेंशन इज .html/.htm और HTML फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .html या .htm से होता है। जैसे किसी भी फाइल का एक्सटेंशन होता है एप्लीकेशन फाइल का, जैसे कि .exe, .doc, .ppt, .excel, एक्सेल की फाइल का। इस तरह से HTML की फाइल का भी एक्सटेंशन होता है .html या .htm। और HTML केस इनसेंसिटिव होती है, याद रखिएगा, इनसेंसिटिव नॉट सेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव और सेंसिटिव का मतलब यह होता है, जैसे कि आपने लिखा सुशांत, अब सुशांत का कैपिटल S एक बार आपने कैपिटल रखा और एक बार आपने सुशांत लिखा जिसमें सुशांत का स्टार्टिंग S स्मॉल रखा, तो दोनों के अलग अलग मीनिंग हो जाएंगे, जबकि वह लैंग्वेज केस सेंसिटिव होगी। लेकिन अगर वही लैंग्वेज केस इनसेंसिटिव है तो सुशांत को आप चाहे कैपिटल में लिखिए चाहे स्मॉल में लिखिए, उसका सेम मीनिंग होगा, सेम अर्थ होगा, यानी कि समान अर्थ होगा। इसलिए HTML केस इनसेंसिटिव है, यानी कि आप इसमें स्मॉल में या कैपिटल में कोई भी वर्ड या टैग लिखते हैं तो उसका अर्थ सामान्य वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वेब पेज बनाने के लिए। HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है वेब, तो इसका स्ट्रक्चर HTML 5 का है। हम देखते हैं लेटेस्ट में जो HTML बनी है वह HTML 5 वर्जन यूज हो रहा है और उसका स्ट्रक्चर में ये है जो कि नीचे दिया गया है। डॉक टाइप HTML एंगल ब्रैकेट में, इसको हमेशा एंगल ब्रैकेट में हर टेक्स्ट को लिखा जाता है, फिर नीचे HTML एंगल ब्रैकेट में, फिर टाइटल, टाइटल के बीच में आपको जो भी लिखना हो वो लिख के इसको, क्योंकि ये एक कंटेनर टैग है इसलिए इसको बंद कर देते हैं स्लैश लगा के, स्लैश टाइटल, और क्लोज कर दिया एंगल ब्रैकेट से, फिर हेड, उसके बाद स्लैश हेड, कंटेनर है इसलिए कंटेनर टैग है इसलिए इसको बंद किया, फिर बॉडी, फिर पैराग्राफ, फिर स्लैश पैराग्राफ, यानी कि इसके ये पी फॉर पैराग्राफ, स्मॉल पी या कैपिटल पी जो इसमें टैग होता है वो पैराग्राफ को डिनोट करता है। तो इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड टाइप किया, तो अगर जब हम इसको रन कराएंगे तो हमें अपने आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड मिलेगा। इसके बाद बॉडी जो हमारा टैग था उसको भी हमने बंद किया, ये भी एक कंटेनर टैग है, और फिर स्लैश HTML से हमने पूरे सिंटैक्स को बंद कर दिया। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ HTML। और देर आर यूज ऑफ टैक्स इन HTML, HTML में टैक्स का यूज होता है, इसलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। टैक्स आर ऑफ टू टैक्स, टैक्स जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। ओपन टैक्स वह टैक्स होते हैं जिन्हें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे BR टैग, मतलब ये लाइन ब्रेकिंग के लिए यूज होती है। जैसे मैंने लिखा I am going to Delhi and I am going for my my my
सॉरी, जैसे आपने दो सेंटेंसेस को एक में लिखा, आई एम गोइंग टू लखनऊ फॉर, आई एम गोइंग टू लखनऊ एंड आई एम गोइंग देयर फॉर अटेंड ए ओकेजन, तो इसको अगर आपको ब्रेक करना है, आई एम गोइंग टू लखनऊ, फिर आपने लगा दिया बी आर टैग, उसके बाद आपने लिखा आई एम गोइंग देयर फॉर अटेंडिंग ए ओकेजन एन ओकेजन, तो ये बी आर टैग लगाने के बाद आई एम गोइंग टू अटेंडिंग एन ओकेजन को दूसरी लाइन में ट्रांसफ़र कर देगा। और आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए HTML की ज़्यादा से कोई बहुत बड़े उसकी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ए नोट पैड अगर आपके कंप्यूटर में हो, या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या कोई भी ऐसा टेक्स्ट एडिटर हो, तो उस पर आप कोडिंग कर सकते हैं HTML की और उसको रन करा सकते हैं अपने कंप्यूटर में। हाँ, तो ओपन टैग्स वो जैसे BR टैग या HR टैग, ये सब HR टैग हॉरिजॉन्टल रूरल टैग रूरल टैग को कहते हैं। जैसे किसी लाइन के नीचे आपको अंडरलाइन करना है तो वहाँ पे HR टैग लगा देते हैं। और कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनमें, जैसे कि आपने बॉडी बॉडी टैग के अंदर आपने कुछ लिखा पैराग्राफ और उसके बाद उसको स्लैश बॉडी करके बंद किया, तो ये कंटेनर टैग्स होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें मोटिवेट कीजिए, हम मेरा उत्साह बढ़ाइए, और साथ ही साथ अपनी भी तैयारी जोर शोर से कीजिए। और इस क्लास को ज़्यादा लंबी न करते हुए आज की क्लास यहीं पर इवनिंग की ख़त्म करते हैं। कल मॉर्निंग में मैं आपको दूसरी HTML की क्लास दूंगा, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा HTML के बारे में, और साथ ही साथ HTML को कैसे कोडिंग की जाती है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की क्लास इवनिंग की ख़त्म करते हैं। गुड इवनिंग अगेन एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम।